एवं पाठ्यक्रम में हम भाषाई कौशल पढ़ रहे थे। मैंने ये बता दिया था कि किस दृष्टि से, जैसे इससे पहले हमने भाषा की जो भी एक तरह से जो रूप है उनको पढ़ा था, किस तरह से वर्णलिखित भाषा होती है, मौखिक भाषा होती है, उनके आधार पर मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति को किस प्रकार से हम बालकों की मौखिक लिखित अभिव्यक्ति को सशक्त बनाते हैं, और उन्हीं के आधार पर जैसे जो भाषाई कौशल है उनके मैंने चार प्रकार बताए थे कि किस तरह से ग्रहण करने से संबंधित है, और एक तरह से जिस तरह से बालक किसी भी विषय वस्तु को या कहीं किसी भी तरह के विचारों को भावों को वह समझता है, ग्रहण करता है, तो या तो सुनकर करता है या पढ़कर ग्रहण करता है। तो इस दृष्टि से हमारे दो कौशल निर्धारित हो गए थे जिनकी हमने बात की थी। एक तो श्रवण कौशल, दूसरा हो गया था जैसे सुनकर और हम पढ़कर बात कर रहे हैं तो पठन कौशल। हालांकि जांच के माध्यम से ये मैंने बता दिया था, थोड़ा सा बता देती हूँ कौन कौन से कौशल है एक बार फिर से। ये पठन कौशल हो गया। फिर दूसरे प्रकार में हमने ये बताया था जैसे विचारों को ग्रहण करना है, और फिर अभिव्यक्त करने की बात आती है तो अभिव्यक्त भी हम किस तरह से कर सकते हैं, तो बोलकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो बोलने के लिए हमारा कौन सा कौशल था, वाचन कौशल। तीसरा जो हमने निर्धारित किया था वाचन कौशल। इसी प्रकार से जो हम हमारे विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, किसी दूसरे को हम समझाना चाह रहे हैं, तो हमारे विचारों को हम अपने विचारों को बोलकर भी बता सकते हैं और लिखकर भी बता सकते हैं। तो बोलकर बताने की दृष्टि से तो वाचन कौशल हो गया। इसी दृष्टि से जब हम लिखकर बताएंगे तो चौथा कौशल हमने क्या निर्धारित किया है, लेखन कौशल। ठीक है, इस तरह से ये हमारे चार कौशल थे। क्योंकि हमारी अभिव्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए और दूसरे के विचारों को ठीक प्रकार से ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए, हमारे एक तरह से ये चारों कौशल कैसे होने चाहिए, सशक्त होने चाहिए। इन सभी में, श्रवण में, पठन में, वाचन में, लेखन में, हमारे अंदर एक तरह से कुशलता होनी चाहिए, इनमें हमें निपुण होना चाहिए। तो एक तरह से इनमें निपुण हमें होना ही चाहिए, लेकिन क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक तरह से शिक्षण के साथ साथ एक प्रशिक्षण भी ले रहे हैं, इस तरह का कि बालकों में भी इस तरह की कुशलता विकसित हो जाए। तो उस दृष्टि से पहले हमें ये कुशलता विकसित होगी, फिर हम बालकों में इस तरह की कुशलता विकसित करने का कार्य करेंगे। तो इसी दृष्टि से भाषा में भाषाई कौशल भी पढ़ाए जाते हैं, और भाषा को शुद्ध रूप से अभिव्यक्त करना, शुद्ध रूप से उसे समझना, इस दृष्टि से समस्त भाषाई कौशलों का विकास होना आवश्यक है। इस क्रम में मैंने कौशल क्या होते हैं और ये कौन कौन से किस तरह के कौशल हैं ये थोड़ा मैंने समझा ही दिया था। ठीक है, अब एक एक करके हम समस्त कौशल पढ़ लेंगे, जिसमें हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि श्रवण कौशल क्या है, क्या इसकी आवश्यकता होती है, क्या उद्देश्य होते हैं, किन विधियों से इसका हम पूर्णतया से विकास कर सकते हैं, या इसमें किस तरह से निपुणता प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह से पठन कौशल में पढ़ेंगे, इसी तरह से वाचन कौशल और इसी तरह से लेखन कौशल। तो आज हम इसमें से जो श्रवण कौशल है सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम बात करें एक तरह से कौशल, ये हमने ठीक प्रकार से स्पष्ट रूप से समझ लिया था, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ भी पढ़ लिया था और क्या इसकी परिभाषा है ये भी हमने पढ़ लिया था, कि जैसे कौशल से अर्थ कुशलता या निपुणता से, या कहें कि जैसे बालक कितने प्रकार के क्रिया या व्यवहार करता है तो उन समस्त क्रियाओं या व्यवहारों के समूह को भी कौशल कहा जाता है। किसी चीज में बार बार अभ्यास से किस तरह से निपुणता या कुशलता आ जाती है वही क्या है, एक तरह से कौशल है। इसी तरह से अब जब हम श्रवण का शाब्दिक अर्थ समझें, श्रवण से अर्थ क्या है, सुनना, जो कि कार्य किससे होता है, कान से होता है। तो इस दृष्टि से सुनने संबंधी कौशल का विकास करने को ही
क्या कहा गया है, श्रवण कौशल कहा गया है। जैसे कि श्रवण कौशल की हम बात कर रहे हैं कि है का जो शारीरिक अंग है शरीर के कान के माध्यम से ही श्रवण क्रिया है वह संभव होती है, और एक तरह से हम ये कहें कि भाषा के लिए सबसे पहला चरण है, क्योंकि बालक प्रारंभिक रूप में भाषा को बोलना सीखता है तो वह कैसे सीखेगा, क्योंकि वह सुनता है। तो सुनना एक तरह से हम भाषाई कौशलों का या भाषा के सीखने का प्रथम चरण कह सकते हैं, क्योंकि भाषा सीखने का यही क्या है, एक तरह से श्रवण या सुनना प्रारंभिक चरण है। फिर जिस प्रकार के शब्द या जिस प्रकार की ध्वनि बालक के कानों में जा रही है उसी प्रकार की ध्वनि के उच्चारण का प्रयास बालक करता है, और वहीं से जैसे हम कहें कि भाषा के सीखने का एक तरह से सीखने का प्रथम चरण शुरू होता है या सीखना बालक वहीं से प्रारंभ करता है। तो इसीलिए भाषा के सीखने का यह प्रथम चरण है। छात्र हैं किस तरह से कहानी कविता भाषण वार्तालाप कई तरह से वह ज्ञान प्राप्त करता है, और उस ज्ञान को प्राप्त करते समय वह उनसे संबंधित जो अर्थ है, जो भी उनसे संबंधित संदेश है, जो भी उनका अर्थ होता है वह उसे ग्रहण कर लेता है, ग्रहण करने का प्रयास करता है। और वास्तव में इसी तरह से हम ये बता सकते हैं, क्योंकि वह सुनकर ही अर्थ को ग्रहण करता है, सुनकर ही समस्त विचारों को आत्मसात करता है। इस दृष्टि से हम ये कहें कि भाषाई कौशलों में श्रवण कौशल एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो कोई गलत बात नहीं है या कोई नकारात्मक बात नहीं होगी, क्योंकि भाषा सीखने का यह प्रमुख और महत्वपूर्ण एक तरह से प्रथम चरण भी बताया गया है, महत्वपूर्ण अंग है। इसी के आधार पर हम अन्य कौशलों को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि जब बालक सुनेगा तभी वह बोलना सीखेगा, उसी से वाचन कौशल विकसित होगा, और साथ ही साथ जब वाचन कौशल विकसित होगा वो सुनेगा बोलेगा पढ़ेगा, उसके बाद ही वह जैसे लिखने का प्रयास भी करेगा तो लेखन कौशल भी विकसित हो सकेगा। तो इस दृष्टि से श्रवण कौशल के आधार पर ही और भाषाई कौशलों का भी विकास किया जाता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा जैसे जो भी वाक्य प्रयुक्त होते हैं, कोई भी शब्द प्रयुक्त होते हैं, जो भी ध्वनियां विचार हैं जो कानों के द्वारा सुनकर एक तरह से अर्थ ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, श्रवण कहते हैं, अर्थात सुनना कहते हैं। और कहें जैसे सुनने के अभ्यास को ही क्या कहा जाता है, श्रवण कौशल कहा जाता है। कानों के द्वारा ध्वनियों को स्वीकार कर मस्तिष्क द्वारा उसकी अनुभूति करना, एक तरह से जैसे हम परिभाषा के रूप में जब श्रवण की बात करेंगे तो कानों के द्वारा जो भी ध्वनियां सुनी गई हैं उन्हें मस्तिष्क द्वारा उनकी अनुभूति करना, वह कार्य क्या हो गया, श्रवण कार्य हो गया। और बार बार अभ्यास से, सुनने के अभ्यास से उस श्रवण कार्य में कुशलता होती है, तो वही क्या हो गया, श्रवण कौशल हो गया। ठीक है, तो इस दृष्टि से जो श्रवण कौशल है वह एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसी के आधार पर हम अन्य भाषाई कौशलों को भी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक तरह से श्रवण और श्रवण कौशल को भी थोड़ा सा एक तरह से परिभाषित कर देते हैं, थोड़ी परिभाषा इसमें की बता देती हूँ सुनने वाले। जैसे सबसे पहले कि श्रवण क्या है, हम लिख लें कि किसी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त शब्दों वाक्यों, किसी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त शब्द या ध्वनियों शब्दों वाक्यों अथवा इनके अलावा और विचार, और भी कई तरह के विचार भी हो सकते हैं, है ना, विचारों किसी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त ध्वनि शब्दों वाक्यों विचारों को कानों के द्वारा सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्रिया, विचारों को कानों के द्वारा सुनकर
अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया श्रवण कहलाती है। अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया श्रवण कहलाती है। परिभाषा तो ये हो गई। और दूसरे शब्दों में यदि और हम बात करें श्रवण के लिए कि जैसे कानों के द्वारा इन विचारों ध्वनियों इन सभी को फिर से लिख सकते हैं। इस तरह से ध्वनि लिखकर ही हम बता देंगे कि कानों के द्वारा ध्वनियों को स्वीकार कर मस्तिष्क द्वारा उसकी अनुभूति करना भी क्या है, श्रवण है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे कानों के द्वारा ध्वनियों को सुनकर सुनकर मस्तिष्क द्वारा कानों के द्वारा ध्वनियों को सुनकर मस्तिष्क द्वारा उसकी अनुभूति करने को अनुभूति करने को श्रवण कहते हैं। ये श्रवण की बात हो गई। अब हम एक तरह से जो श्रवण कौशल है उसके लिए भी लिख लेते हैं कि सुनने के अभ्यास को श्रवण कौशल कहा जाता है। कि जैसे बार बार हम अभ्यास करके जो कुशलता प्राप्त करेंगे वो क्या होगी, परिभाषा श्रवण कौशल की परिभाषा। ये तो श्रवण के लिए हो गई दोनों बातें। सुनने के अभ्यास को श्रवण कौशल कहा जाता है। ठीक है, ये श्रवण कौशल की परिभाषा हो गई। इससे पहले जो हमने लिखी थी वो श्रवण से संबंधित परिभाषा थी। ठीक है, इस तरह से श्रवण कौशल को पहले हमने एक तरह से उसके अर्थ और परिभाषा को स्पष्ट कर लिया है। इसी दृष्टि से अब जैसे हम बात करें कि जो श्रवण कौशल है तो उसका महत्व क्या है, क्यों श्रवण कौशल को हमें विकसित किया जाना चाहिए। तो इस दृष्टि से अब हम श्रवण कौशल के महत्व की बात कर लेते हैं कि बालक के व्यक्तित्व में किस तरह से श्रवण कौशल के विकास का एक अधिक महत्व होता है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि जैसे श्रवण कौशल है इसका अधिक महत्व इसलिए है क्योंकि श्रवण कौशल ही भाषाई विकास का क्या है, प्रथम चरण है। इस तरह से भाषा के विकास का या कहें कि भाषा के सीखने का इसको प्रथम चरण माना गया है। वो तो सारी अभी हमने अर्थ और परिभाषा लिख ली थी, है ना। अर्थ और परिभाषा जैसे मैंने हेडिंग में डाली थी तो ध्यान रखेंगे जो अभी हमने लिखा था वो सब क्या था, अर्थ और परिभाषा। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं श्रवण कौशल का महत्व।
ठीक है, तो सबसे पहले महत्व में जैसे अभी हमने जो बात की थी, हम उस महत्व को भी बता सकते हैं, क्योंकि भाषा के सीखने का प्रथम चरण क्या है, श्रवण कौशल है। और इसीलिए बालक को एक तरह से सुनने के ज्ञान में या ऐसे कहें कि सुनने में अभ्यास करवाना अत्यधिक आवश्यक होता है, क्योंकि यह एक तरह से अन्य जो भी कौशल है उनके विकास का भी प्रमुख आधार होता है। तो हम ये कह दें कि बालक के व्यक्तित्व के विकास में श्रवण कौशल का अधिक महत्व होता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास में श्रवण कौशल का अधिक महत्व होता है। बालक के व्यक्तित्व में श्रवण कौशल का व्यक्तित्व के विकास में श्रवण कौशल का अधिक महत्व होता है, क्योंकि यह भाषा के सीखने का प्रथम चरण है। इसी तरह से और हम बात करें कि जिस तरह से बालक में श्रवण के प्रति बालक जागरूक होता है, उसकी श्रवण इंद्रियां है और अधिक विकसित होती है, तो इसीलिए एक तरह से श्रवण कौशल का महत्व और अधिक हो जाता है, क्योंकि बालक को उनके प्रति अभ्यस्त करना होता है। तो बालक श्रवण के प्रति जागरूक बनता है श्रवण कौशल के माध्यम से, क्योंकि वह बार बार अपनी श्रवण इंद्रियों का उपयोग करता है। बालक श्रवण इंद्रियों बालक श्रवण इंद्रियों के उपयोग से श्रवण कार्य के प्रति यानी सुनने के कार्य के प्रति जागरूक बनता है। एक तरह से और बात करें कि श्रवण कौशल के माध्यम से बालक जैसे जिन ध्वनियों को सुनता है वह उसके मस्तिष्क में अंकित हो जाती है, और यही एक तरह से उसके भाषाई ज्ञान का आधार भी बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि श्रवण कौशल है वह अन्य भाषाओं की मुख्य आधारशिला भी है, इसीलिए श्रवण कौशल को अन्य भाषाओं की आधारशिला बताया गया है, क्योंकि एक तरह से जब वह ध्वनियों को सुनता है मन मस्तिष्क में उन ध्वनियों के प्रति वह एक तरह से उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है कि इन ध्वनियों का इस तरह का अर्थ होता है जिसे वह आत्मसात करता है, ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद उन्हें वह अभिव्यक्त करने की क्षमता की ओर भी बढ़ता है।
इस तरह से जब वह विचारों को, ध्वनियों को, शब्दों को सुनकर ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करके उनके अर्थ की अनुभूति मस्तिष्क के माध्यम से वह कर रहा है, और फिर उन्हें किस तरह से वह अभिव्यक्त करेगा, तो किस तरह से अभिव्यक्त करने की जहाँ बात आ जाती है, वहाँ अन्य कौशलों से श्रवण कौशल संबंधित हो जाता है। तो इस दृष्टि से हम ये बता देते हैं कि बता सकते हैं कि जो श्रवण कौशल है वह अन्य कौशलों की एक तरह से आधारशिला भी होती है। तो इस दृष्टि से भी श्रवण कौशल का विशेष महत्व है। इससे आगे भी जो श्रवण कौशल का महत्व है और हम पढ़ेंगे, वो कल पढ़ेंगे जो भी, और श्रवण कौशल के बारे में और भी कई सारे इस तरह के पॉइंट्स हैं जो कि श्रवण कौशल के महत्व को निर्धारित करते हैं, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे।